जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 जैन मंदिरों में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर पश्चिम पारस देशमुख ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग मंदिरों में चोरी की सूचना के बाद 2 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 सेवादारों और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 15 किलो चांदी और 26,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब तक की तफ्तीश में 15 किलो चांदी की प्लेट और 26,750 रुपये नगद, ये सामान अब तक बरामद किया जा चुका है। शेष बरामदगी के लिए अभी भी हमारी टीम यूपी में है। इसमें अब तक ये सामने आया है कि जिन व्यक्तियों को मंदिर की देखभाल के लिए रखा गया था वो जुए और सट्टे के आदि थे। जबलपुर और नरसिंहपुर में इन्होंने लगातार सट्टा खेलते हुए काफ़ी इनको लॉस उसमें झेलना पड़ा, जिसकी भरपाई के तौर पर उन्होंने इन मंदिरों में लगातार एक लंबे समय तक, स्पेशली कोरोना काल में अप्रैल और मई में, इन्होंने ये सामान की चोरी की है।